खबर दें आपको, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत असरात। एक दिन में 74,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने तारीख रकम कर दी। सबसे ज़्यादा लाहौर में 24,000 से ज़ायद लाइसेंस जारी किए गए। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग कहते हैं कि लाइसेंसिंग सेंटर्स पर अमले की तादाद को बढ़ाया जा रहा है। मज़ीद तफ़सील जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने एक ही दिन में 74,000 ज्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम की है। जिसमें आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर में मीटिंग सेंटर जो है वो कैम्प कर दिया। इस वक्त एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मीटिंग सेंटर के कैम्प के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा जो है वो लम्हा बलम्हा हासिल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि जो लाइसेंस की वजह से जो सख्ती की गई है उसकी वजह से शहरी जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तादाद में जो है वो लाइसेंस का बनाने के लिए रुख कर रहे हैं। बिस्तर रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 ज्यादा ड्राइविंग लर्नर पर, लाहौर में 24,000 ज्यादा लाइसेंस जो है वो बिस्तर रोज जो है वो बनाए गए हैं। इस वक्त के तर्जमान ट्रैफिक पुलिस से कहना है कि एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग ने सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर। ठीक है मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका।